एक बार मैडमैक्स और टिम्बकटू दोनों मिलकर वीर को मारने के लिए वीर का विंग सूट जैसा रोबोट बना रहे थे। उन्होंने लगभग उसको तैयार कर लिया था, लेकिन तभी टिम्बकटू मैडमैक्स से बोलता है, अरे बॉस बॉस, मुझे लगता है कि हर बार की तरह वीर इस रोबोट को भी खत्म कर देगा। तो आप एक काम करो, इस रोबोट को छोड़ो और मेरी तरह एक अच्छा इंसान बन जाओ। मैं भी जा रहा हूँ अब एक अच्छा इंसान बनने। लेकिन तभी मैडमैक्स टिम्बकटू से बोलता है, अबे गधे टिम्बकटू, ये कोई आम रोबोट नहीं है। इस रोबोट में मैंने कुछ स्पेशल फीचर डाले हैं जिससे वीर को ये रोबोट दिखते ही मार देगा। इतना सब कहने के बाद मैडमैक्स वीर का विंग सूट जैसे रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी मैडमैक्स उस रोबोट से बोलता है, जाओ मेरे वीर के जैसे विंग सूट रोबोट और वीर को खत्म कर दो। मैंने तुम्हारे अंदर उसकी फोटो तो नहीं डाली है, लेकिन तुम और टिम्बकटू जाओ और टिम्बकटू तुमको बता देगा कि वीर कैसा दिखता है। इतना सब कहने के बाद टिम्बकटू और रोबोट मैडमैक्स से बोलते हैं, जो हुक्म हमारे बॉस, जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। और आज हम वीर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको मार कर ही आएंगे। इतना सब कहने के बाद वीर का बनाया जैसा रोबोट और टिम्बकटू यहाँ से वीर को मारने के लिए चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद टिम्बकटू और वीर का बनाया हुआ डुप्लीकेट वहाँ पर आ जाता है। और फिर मैडमैक्स का बनाया हुआ रोबोट वीर से बोलता है, अच्छा तो तुम हो वो सच्चाई के बनाए हुए रोबोट। लेकिन तभी टिम्बकटू उस रोबोट से बोलता है, अरे हमारे बुराई के बनाए हुए रोबोट, तुम इस वीर को कम मत समझो। इसने तुम्हारे जैसे बनाए हुए रोबोटों का बहुतों को नाश किया है और अब बारी तुम्हारी है। लेकिन तभी वीर इमली से बोलता है, अरे इमली, तुम्हें यहाँ पर बहुत खतरा है। तुम एक काम करो, घर पर जाओ और इन दोनों को मैं देख लूंगा। वीर द रोबो बॉय के कहने पर इमली यहाँ से चली जाती है। इमली के जाने के बाद वीर द रोबो बॉय भी अपना रोबो बॉय सूट ऑन कर लेता है। रोबो बॉय सूट ऑन। और फिर वीर द रोबो बॉय भी हवा में उड़ने लग जाता है। और फिर कुछ ही टाइम में वीर द रोबो बॉय का रोबो बॉय सूट ऑन हो जाता है। लेकिन तभी वीर मैडमैक्स के बनाए हुए रोबोट से बोलता है, अच्छा तो उस लूजर ने अब तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए यहाँ पर भेजा है, लेकिन तुम दोनों का भी सेम वही हाल होगा जो यहाँ पर होता आया है। वीर जैसे ही ये बोलता है, टिम्बकटू तो डर कर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर मैडमैक्स का बनाया हुआ रोबोट वीर के सामने आ जाता है। लेकिन तभी मैडमैक्स का बनाया हुआ रोबोट वीर से बोलता है, अरे वीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और मैं तुझे यहाँ पर मारने के लिए आ गया। लेकिन तभी वहाँ पर वीर द रोबो बॉय उस रोबोट से बोलता है, नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर ये लोग वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा।